नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जेडीयू, एआईएडीएमके अम्मा गुट का भी समर्थन। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की बैठक आज, जेडीयू नहीं होगी शामिल। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 5 आतंकी ढेर। पलनवाला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। घाटी में 2000 अतिरिक्त जवान होंगे तैनात। महाराष्ट्र और राजस्थान में 2 किसानों की खुदकुशी। गोलीकांड में तत्कालीन कलेक्टर, एसपी और सीएसपी निलंबित। कानून व्यवस्था में नाकामी का आरोप। सोलह सचिवों के विभागों में फेरबदल। राजीव महर्षि की जगह राजीव गाबा होंगे नए केंद्रीय गृह सचिव। एनके सिन्हा बने सूचना और प्रसारण सचिव। और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के प्री क्वार्टर फाइनल में सायना, सिंधु और श्रीकांत। हॉकी वर्ल्ड लीग के क्वार्टर फाइनल में भारत और मलेशिया का मुकाबला। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन दे दिया है, जबकि सहयोगी दल आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव अभी भी विपक्ष के फैसले के समर्थन की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलनीसामी ने रामनाथ कोविंद के नाम पर उनके दल की सहमति जता दी है। आज इस मसले पर विपक्षी दलों की अहम बैठक होनी है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक विपक्ष राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर कोई ऐलान कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की आज अहम बैठक होनी है। इस दौरान राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई है, लेकिन जेडीयू इस बैठक में शामिल नहीं होगा। जेडीयू ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का फैसला किया है, जबकि आरजेडी ने साफ किया कि उनकी पार्टी बैठक में हिस्सा लेगी और विपक्षी दलों के निर्णय का समर्थन करेगी। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी के नेतृत्व में एआईएडीएमके अम्मा गुट ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक बुधवार को इस बारे में पार्टी में चर्चा की गई और रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पार्टी का समर्थन हासिल करने के लिए पलानीसामी से फोन पर बात की थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस फैसले का स्वागत किया है। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर विपक्ष में फिलहाल आम राय नहीं बन पाई है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का एक तरफा फैसला बताया है। पार्टी का आरोप है कि रामनाथ कोविंद के नाम पर कांग्रेस के साथ चर्चा नहीं की गई। आज शाम तक इस बारे में फैसला होने की उम्मीद है। इस बीच लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने कल रात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। पहली मुठभेड़ बारामूला जिले में हुई, जहां मंगलवार रात ही आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी गई थी, जबकि दूसरी मुठभेड़ कल शाम शुरू हुई और रात भर गोलीबारी जारी रही। इसके अलावा आतंकवादियों के एक गुट की भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश को भी नाकाम किया गया है। तीनों घटनास्थल से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। कश्मीर के हालात को देखते हुए केंद्र ने 2 अतिरिक्त बटालियन को तैनात करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सेना को मुठभेड़ के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। रात भर चली गोलीबारी में सेना ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी भी घायल हुआ है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना को काकापोरा इलाके में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। कल शाम 6 बजे गोलीबारी शुरू हुई थी, जो रात भर जारी रही। इससे पहले बुधवार को ही बारामुल्ला जिले में सेना ने 2 हिजबुल आतंकियों को ढेर किया। सुपोर के पजलपोरा गांव में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। आतंकियों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया।
जिसके चलते सैन्य अभियान में खासी दिक्कतें आईं। इस दौरान इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा को स्थगित रखा गया। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 5 मैगजीन, 124 गोलियां, हथगोला और अन्य सामान बरामद हुआ। इस बीच सेना ने जम्मू के पल्लनवाला सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम कर दिया। नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। सीमा पार से संदिग्ध आतंकियों का एक समूह भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय जवानों के साथ गोलीबारी होने के बाद वहां से फरार हो गया। मौके से सुरक्षा बलों को AK-47 राइफल और युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला सामान बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंदसौर गोलीकांड में मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है। तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह और SP OP त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। इन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने के चलते निलंबित किया गया है। इनके अलावा CSP साई कृष्ण S थोटा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। किसान आंदोलन के दौरान 6 जून को पुलिस गोलीबारी में 5 किसानों की जान चली गई थी। हालांकि फायरिंग के दूसरे दिन ही कलेक्टर और SP का तबादला कर दिया गया था। घटना के बाद राज्य की गृह मंत्री ने माना था कि गोली पुलिस ने ही चलाई थी। कल मध्य प्रदेश के 37 IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इनमें 19 जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने अलग अलग पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, नगर निकायों के आयुक्तों और राज्य सचिवालय में उप सचिवों का भी तबादला कर दिया है। महाराष्ट्र और राजस्थान में एक एक किसान ने खुदकुशी कर ली है। पहला मामला राजस्थान के कोटा से है, जहां खुदकुशी करने वाले किसान की पहचान 30 साल के संजीव मीणा के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि संजीव ने खेती के लिए कर्ज लिया था, जिसे नहीं चुका पाने की वजह से वो परेशान था। उसने पेड़ से खुद को लटकाकर आत्महत्या की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दूसरे मामला महाराष्ट्र के नासिक जिले का है। यहाँ मालेगांव में कर्ज के बोझ से दबे किसान ने खुद की जान ले ली। मृतक किसान की पहचान 77 साल के सुदड़ी भिका पवार के रूप में हुई है। पवार ने अपनी पत्नी के नाम पर कर्ज लिया था, जिसे चुका पाने में वो नाकाम था। आखिरकार तंग आकर उसने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। राजीव गाबा नए गृह सचिव होंगे। वो राजीव महर्षि की जगह लेंगे। महर्षि 30 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। गाबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं और वो गृह मंत्रालय में फिलहाल OSD के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। 31 अगस्त को उनको गृह सचिव की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। राजीव गाबा गृह मंत्रालय में पहले भी संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहाँ पर वो नक्सल डिविजन का काम देखते थे। वहीं सचिव स्तर के 16 अफसर के विभागों में फेरबदल किया गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा को शहरी विकास सचिव बनाया जाएगा। वो अभी इस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं। संस्कृति सचिव NK सिन्हा नए सूचना और प्रसारण सचिव होंगे। विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक सुभाष गर्ग को आर्थिक मामलों का नया सचिव बनाया गया है। शक्तिकांत दास के सेवानिवृत्त होने के बाद से पद खाली था। अरुणा सुंदरराजन नई दूरसंचार सचिव होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रमुख युद्धवीर सिंह को सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मद्रास, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए 11 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट के लिए 6, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए 2 और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए 3 जजों की नियुक्ति की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय में कुल 75 जज नियुक्त किए जा सकते हैं। इनमें से 20 स्थान अभी खाली हैं। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद और हिंसा के बीच राज्य सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में दार्जिलिंग में शांति बहाली के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। दोनों पार्टियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी में बुलाई गई बैठक का कोई औचित्य नहीं है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पहले ही इस बैठक के बहिष्कार का
ऐलान कर चुकी है। इस बीच सरकार बंद के दौरान सरकारी दफ्तरों से गायब रहने वाले कर्मचारियों के वेतन काटने की योजना बना रही है। दार्जिलिंग जिले में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बेमियादी बंद के बाद आम जनजीवन ठप है। जीजीएम ने दार्जिलिंग के सभी स्कूलों से छात्रों को निकालने के लिए 23 जून को 12 घंटे का वक्त दिया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दो विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय ने शंकर सिंघा और अरिंदम भट्टाचार्य के पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। शंकर सिंघा राणाघाट उत्तर पश्चिम और अरिंदम भट्टाचार्य शांतिपुर सीट से विधायक हैं। दोनों ही सीटें नदिया जिले में हैं। टीएमसी ने शंकर सिंघा को नदिया जिले में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने टीएमसी पर उनके विधायकों को लालच देकर तोड़ने का आरोप लगाया है। सरकार ने बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने का एक और मौका दिया है। रिजर्व बैंक के ऑफिसों में 20 जुलाई तक ये नोट जमा किए जा सकेंगे। ये दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और केंद्रीय सरकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को जमा कराने का समय दिया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसमें बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को 30 दिन के भीतर पुराने 500 और 1000 के नोट आरबीआई में जमा कराने का मौका दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रिजर्व बैंक की शर्तें पूरी करने के बाद ही जमा कराई गई राशि के बराबर राशि दी जाएगी। अमाउंट जो दिसंबर के पहले रखा गया था वो डिपॉजिट नहीं हो पाया है, जो करने में मुझे नहीं लगता किसी तरह कोई आपत्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, इसका मिसयूज अगर पहले कभी किसी जगह पर हुआ है तो आज तो सिस्टम बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी प्रॉपर एंट्रीज हैं। ये राहत ऐसे समय में दी गई है जब खबरें आ रही थी कि किसानों को मदद देने के लिए सहकारी बैंकों के पास नकदी की कमी है। सरकार के मुताबिक 8 नवंबर 2016 तक 17.7 लाख करोड़ के नोट चलन में थे। इनमें 500 और 1000 के नोट शामिल थे। आरबीआई ने पिछले साल दिसंबर को जानकारी दी थी कि 10 दिसंबर तक 12.44 लाख करोड़ के चलन से बाहर किए गए नोट जमा किए गए थे। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को काले धन और नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक सरकार ने सभी किसानों के 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान से सरकारी खजाने पर 8,165 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार के इस कदम से 22,27,506 किसानों को फायदा मिलेगा जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि किसान संकट में हैं। उन्होंने कहा कि कृषि के हित में सरकार ने किसानों का साथ देने का फैसला किया है। इसके तहत आज तक सहकारी बैंकों से लिए गए हर एक किसान का 50,000 रुपए तक का अल्पकालीन कर्ज या फसल कर्ज को माफ किया जाएगा। राज्य में किसानों ने सहकारी बैंकों से 10,736 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने जो कर्ज लिया है उसमें सहकारी बैंकों का हिस्सा केवल 20% है, जबकि 80% हिस्सा ग्रामीण, राष्ट्रीयकृत और दूसरे बैंकों का है जो केंद्र सरकार के दायरे में आता है। खबरें जा रही हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत ही वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान।
फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं, उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर उनका शहर सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा जातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े बिल को अगले महीने मॉनसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को एक कार्यक्रम में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में नया कानून तैयार कर रही है। इस बिल को संसद से मंजूरी मिलने के बाद सरकारी नौकरियों में SST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में कर्नाटक सरकार के इस व्यवस्था पर यह कहते हुए रोक लगाई कि राज्यों को पहले यह तय करना चाहिए कि प्रतिनिधित्व, पिछड़ेपन और समग्र दक्षता के मानदंडों को पूरा किया गया है या नहीं। इससे पहले 2012 में 117वें संविधान संशोधन बिल में इस व्यवस्था को राज्यसभा से मंजूरी मिली थी, लेकिन यह बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका था। पिछले साल एक संसदीय समिति ने सरकार से इस बिल को पास कराने की सिफारिश भी की थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में IIT गोवा के निदेशक BK मिश्रा पर CBI ने कार्रवाई की है। बुधवार को उनके भुवनेश्वर स्थित निवास की तलाशी ली गई। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। CBI ने आरोप लगाया कि साल 2006 से 2016 के दौरान मिश्रा के पास ज्ञात स्रोत से 49.37% ज्यादा संपत्ति का पता चला। CBI का दावा है कि उनकी 2,15,00,000 रुपए की कथित संपत्ति में से 1,14,00,000 रुपए की संपत्ति अज्ञात स्रोत से पाई गई। CBI के प्रवक्ता के मुताबिक BK मिश्रा के गोवा स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई थी। मिश्रा जनवरी में IIT गोवा के निदेशक बनने से पहले इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल और मटेरियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के निदेशक रहे थे। अगले साल से CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च की बजाय फरवरी में हो सकती हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में खामियां दूर करने के लिए बोर्ड ऐसा करना चाहता है। इस साल 27,000 से ज्यादा छात्रों ने कॉपियों की दोबारा जांच की अर्जी दी और इनमें से करीब 2,000 मामलों में 26 या उससे ज्यादा अंक बढ़े। CBSE 2018 से 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च के बजाय फरवरी में कराने की तैयारी में है। बोर्ड के चेयरमैन RK चतुर्वेदी ने कहा कि परीक्षा पहले कराने से मूल्यांकन की खामियों को दूर किया जा सकेगा। उनके मुताबिक अप्रैल में अनुभवी शिक्षक छुट्टी पर होते हैं, ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए अस्थायी और कम अनुभवी शिक्षक ही मिल पाते हैं। इसके अलावा बोर्ड कॉपी जांचने वाले शिक्षकों के लिए दिसंबर से 2 ट्रेनिंग सेशन भी कराने जा रहा है। सही इवैल्यूएशन कैसे हो या ट्रांसपेरेंट कैसे हो, उसको बिल्कुल पारदर्शी हम कैसे कर दें, तो वो सारी चीज़ें उनको एक अच्छी तरह से पूरा एक प्लान बना के सोचना चाहिए। एक एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रक्रिया बहुत अच्छी सुधरेगी। भुवनेश्वर समेत कई शहरों में छात्रों ने 12वीं के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे। कुछ ऐसे छात्र भी सामने आए जिन्होंने इंजीनियरिंग की IIT JEE परीक्षा पास की, लेकिन CBSE के 12वीं के इम्तिहान में उन्हें गणित में 10 से कम नंबर मिले। I had got 91 in English and more than 70-75 in all the subjects. And in maths, I had got only 6, which is single digit mark. It was really shocking for me to know that I have got single digit in maths. इस साल 10,98,891 छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। उनमें से 2.47% यानी 27,000 से ज्यादा छात्रों ने वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया। इनमें करीब 2,000 मामलों में 26 या उससे ज्यादा अंक बढ़े। छात्रों के आंदोलन और कोर्ट के दखल के बाद CBSE ने मूल्यांकन में गड़बड़ी की बात मान ली। इसकी जांच के लिए उसने 3-सदस्यीय समिति बनाई है। ये समिति 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। पिछले साल CBSE ने पुनर्मूल्यांकन का सिस्टम खत्म कर दिया था। इसे भी छात्रों ने अलग अलग अदालतों में चुनौती दे रखी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि बोर्ड को ये नीति खत्म नहीं करनी चाहिए। हालांकि अभी इस बारे में हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा TV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 70,50,000 अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा।
दोनों देशों की सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका ये मदद करेगा। वॉशिंगटन में अधिकारियों ने कहा कि विज्ञान, तकनीक और ऊर्जा मंत्रालय अमेरिकी ऊर्जा विभाग के लक्ष्य को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सोमवार को अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक मामलों के सहयोगी केनेथ जेस्टर भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। वो रिचर्ड वर्मा की जगह लेंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के उपसहायक और राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के उपनिदेशक 62 साल के जेस्टर नामित होने और सेनेट से मंजूरी मिलने पर रिचर्ड वर्मा की जगह लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा का पद से हटना तय हो गया था। वो इस पद पर सेवा देने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। जस्टर को भारतीय नीतिगत मुद्दों और अमेरिका भारत संबंधों पर काम करने का काफी अनुभव है। इराक के मोसुल में आईएस आतंकवादियों ने अल नूरी मस्जिद को उड़ा दिया है। ये वही मस्जिद है जहां से आईएस के नेता अबू बकर अल बगदादी ने 2014 में खिलाफत का ऐलान किया था। इराकी सेना ने परिसर की तस्वीरें जारी की हैं। एरियल तस्वीरों से पता चलता है कि मस्जिद परिसर का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका है। इस मस्जिद का निर्माण 1172 में शुरू हुआ था। इराकी शहर मोसुल में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा है कि आईएस आतंकियों की इस कार्रवाई से पता चलता है कि आतंकी हार मान चुके हैं। बात खेलों के ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में सायना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत और बी साई प्रणीत दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। एक तरफ महिला एकल वर्ग में सायना ने सुंग जी ह्यून को 38 मिनटों के अंदर 21-10, 21-16 से शिकस्त दी और पीवी सिंधु ने जापान की सायका साटो को 21-17, 14-21, 21-18 से मात दी। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत ने पहले दौर में चीनी ताइपे के कान चाओ यू को 27 मिनट के अंदर 21-13, 21-16 से हराया और प्रणीत ने सुग्याचरे को 47 मिनट तक चले मैच में 10-21, 21-12, 21-10 से हराया। अगला मुकाबला चीन के खिलाड़ी हुआंग युशियांग से होगा। हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। यह टूर्नामेंट लंदन में खेला जाएगा। मंगलवार को भारत और नीदरलैंड की टीम से 1-3 से हार गई थी। इससे पहले स्कॉटलैंड, कनाडा और पाकिस्तान के खिलाफ पहले तीन मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। रविवार को सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया था। फॉर्म और रैंकिंग के लिहाज से भारत को दुनिया की छठे नंबर की टीम माना जा रहा है, जबकि आज की उसके प्रतिद्वंदी की टीम मलेशिया 14वें नंबर पर है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल महाराष्ट्र से आए 43 स्कूली बच्चों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के सभी जिलों से आए इन बच्चों ने उपराष्ट्रपति से मिलकर खुशी जाहिर की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बच्चों से उनकी पढ़ाई को लेकर बातचीत की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। उपराष्ट्रपति भवन में बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बात खास शख्सियत की। बॉलीवुड के महान खलनायक अमरीश पुरी की आज जयंती है। अमरीश पुरी को अभिनय की किसी एक विधा में बांधना मुश्किल है। एक तरफ जहां उन्होंने निशांत और जुनून जैसी कला फिल्मों में अपना लोहा मनवाया, तो वहीं मिस्टर इंडिया, कोयला, लोहा और नायक जैसी फिल्मों में दमदार खलनायक की भूमिका निभाई। आइए याद करते हैं अमरीश पुरी को उनके डायलॉग्स के जरिए। अगर की जगह हासिल करने के लिए जेब में पैसे नहीं, बाजुओं में ताकत चाहिए, रोबीला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और दमदार आवाज, कहीं ऐसा न हो और उस पर शानदार गेटअप, इन्हीं खूबियों के जरिए अमरीश पुरी ने फिल्म जगत में अलग पहचान बनाई। ABCD करके 18 सेक्शन है, सेक्रेटेरिएट में मिलता है, 15 रुपए खर्च करके ले आओ और सबको सुनाओ। अगला सवाल। 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा से करियर की शुरुआत की। आराम खोरो, ब्याह की अंगूठियां पहनने का इतना ही शौक था तो मुझे कहलवा भेज दे, मैं तुम्हारे लिए घुंघरू बनवा देता। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर नाचो हवेली में हिचड़ों की तरह। आज तुम बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो शोभराज, तुम्हारे कागजात और तुम्हारी जिंदगी दोनों मेरे हाथ में। मोगेम्बो खुश हुआ। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया अमरीश पुरी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई और मोगेम्बो का किरदार अमरीश पुरी की
पहचान बन गया। आदमी दिखाई ना दे, इनविजिबल हो जाए। हॉलीवुड के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग की मशहूर फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने खलनायक के रूप में काली के भक्त का किरदार निभाया। बलि मांगती काली मां, मुक्ति देगी काली मां, काली मां, काली मां। 2006 में आई कच्ची सड़क उनकी आखिरी फिल्म रही। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन एक महान फिल्मी खलनायक के तौर पर अमरीश पुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुम तो जानते ही हो कि इंदरजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जेडीयू एआईएडीएमके अम्मा गुट का भी समर्थन। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की बैठक आज, जेडीयू नहीं होगी शामिल। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 5 आतंकी ढेर। पल्लनवाला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। घाटी में 2000 अतिरिक्त जवान होंगे तैनात। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 किसानों ने की खुदकुशी। मंदसौर गोलीकांड में तत्कालीन कलेक्टर, एसपी और सीएसपी निलंबित। कानून व्यवस्था में नाकामी का आरोप। सोलह सचिवों के विभागों में फेरबदल। राजीव महर्षि की जगह राजीव गाबा होंगे नए केंद्रीय गृह सचिव। एनके सिन्हा बने सूचना और प्रसारण सचिव। और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के प्री क्वार्टर फाइनल में सायना, सिंधु और श्रीकांत। हॉकी वर्ल्ड लीग के क्वार्टर फाइनल में भारत और मलेशिया का मुकाबला। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।